स्टूडियो में लेकर के आया हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, हाँ कोई भी मोबाइल फोन आता है, तो उस मोबाइल फोन को ठीक करने के लिए, उस मोबाइल फोन को रिपेयर करने के लिए, या उस मोबाइल फोन में काम करने के लिए, हमको सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, किसी भी काम करने के लिए हमको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग आज काम कर रहे हैं अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के शॉप में काम कर रहे हैं, और जो ऐसा है कि जो अपने दुकान के लिए अपना कोई सिस्टम लेना चाहते हैं या कंप्यूटर लेना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी कंप्यूटर लेने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब बेसिक क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। अगर ये बेसिक चीजें आप खरीद लेते हो तो आप अपने कंप्यूटर पर काम कर सकते हो, या अपने सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हो, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग से संबंधित जितने भी सारे काम है कर सकते हैं। और एक अगर मोबाइल फोन दुकान की शॉप चलाने के लिए या अपना काम करने के लिए हमारे पास सिस्टम होना तो जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम लोग सब चीजों में कहीं ना कहीं हाथ हमारा रुक जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कम से कम जो सिस्टम लेंगे, i3 लेंगे, 4 GB रैम लेंगे, 256 GB SSD लेंगे, बाकी स्क्रीन, स्क्रीन माउस हाउस कीबोर्ड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अगर लैपटॉप होता तो उसमें ऑलरेडी सारा सब कुछ इनबिल्ड होता है। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है दोस्त, इससे ज्यादा आप जो भी ले लीजिए इससे कोई मर्जी नहीं है, जितना ज्यादा ले लेंगे, जितना बड़ा ले लेंगे उतना ही बेहतर है। और अगर आप कम से कम की बात करते हैं, मिनिमम से मिनिमम से बात करते हैं, तो छोटा कोई भी काम चलेगा, वो तो चलने वाली बात हो जाती है, लेकिन जहां काम करने वाली बात आती है तो काम करने के लिए हमारे पास इतना होना चाहिए। अब लैपटॉप में अगर सारा सब कुछ लेते हैं तो सब कुछ इनबिल्ड आता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर बनाते हैं तो कंप्यूटर बनाने के लिए क्या है, आज मेरे पास एक स्टूडेंट है वो अपना कंप्यूटर का पूरा सामान लेकर गए हैं, हम उनके कंप्यूटर को पूरा बनाएंगे, असेंबल करेंगे। इसी बहाने हम आपको कंप्यूटर की असेंबलिंग भी समझा दे सकते हैं, असेंबलिंग के बारे में भी सिखा रहे हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप अगर कंप्यूटर कहीं लेने जाएंगे तो आपको यह भी बात रहेगी क्या क्या चीजों की जरूरत रहेगी, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा देखें, जो हम चीज बता रहे हैं इसको नोट करें, और कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6391711711, 6391211211। इसमें किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर से रिपेयरिंग, या किसी भी चीज से अगर संबंधित, या कोई भी टूल्स, कोई भी चीज अगर आप उसके बारे में सुझाव जानना चाहते हैं तो आप हमसे सुझाव भी ले सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इन सब चीजों के बारे में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली बात क्या, सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहली चीज की जरूरत होती है वो होता है मदरबोर्ड। जब मैंने i3 कॉन्फ़िगरेशन का मैंने जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है जो भी सब चीजें लेंगे सब i3 से ऊपर की ही चीजें लेंगे। मदरबोर्ड होना चाहिए, सीपीयू लेना पड़ता है, सीपीयू फैन चाहिए होता है, रैम चाहिए होता है। मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, रैम हो गया, एसएसडी हो गया, कैबिनेट हो गया, एसएमपीएस हो गया, पावर सप्लाई। कभी कभी कैबिनेट एसएमपीएस दोनों एक साथ में आता है, कभी दोनों अलग अलग भी आता है, आप अलग अलग भी ले सकते हो, एक साथ भी आता है। उसके बाद कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट एसएमपीएस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और एलसीडी स्क्रीन, वाईफाई डोंगल। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, सीपीयू फैन होना चाहिए, रैम होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए, कैबिनेट एसएमपीएस होना चाहिए, और कीबोर्ड माउस होना चाहिए, एलसीडी स्क्रीन होनी चाहिए, वाईफाई डोंगल होना चाहिए। इतनी सारी चीजें जो होती हैं जब हम ले लेते हैं तो लेने के बाद फिर हम लोग सिस्टम को पूरा बना सकते हैं, बनाने के बाद उसको पूरा रन कर सकते हैं, और फिर ये सारा सब कुछ एक साथ इकट्ठा करने के बाद फिर इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है विंडो। दोस्त जब आप विंडो इंस्टॉल करेंगे तो विंडो आप 10 इंस्टॉल करेंगे। दूसरी बात, वो 64 बिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए,
विंडो 10 होनी चाहिए, 64 बिट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने के लिए सारे ड्राइवर्स हैं, सारे टूल्स हैं, सब 64 बिट में आते हैं, तो इसलिए हम 64 बिट यूज करेंगे। और अब विंडो 7 का एक्सपायर हो गई है, तो आप जितने भी सारे जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो विंडो 7 को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे उसमें क्यूफिल चलना बंद हो गया है, या उसमें से तुम्हारा अनलॉक टूल भी नहीं चल रहा है, इस समय अनलॉक टूल उसमें से रुक जाता है, तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करना बंद कर दिए। जब सपोर्ट करना बंद कर दिए तो फिर आप भी उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि क्या चीज सपोर्ट करे, उसी चीज को आप चलाइए। तो विंडो 10 होना चाहिए और उसमें से 64 बिट होना चाहिए। बाकी आप सिस्टम को आप ले सकते हैं, सिस्टम को लेने के बाद आप बना सकते हैं। अगर आप इनके पैसे की बात करते हैं तो दोस्त जैसा आप इसमें से लेंगे वैसे ही अलग अलग कीमत का, अलग अलग पैसे का आता है। जैसे आप मदरबोर्ड लेने जाएंगे तो मदरबोर्ड 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 12000, 15000 तक का भी आता है। सीपीयू लेने जाएंगे तो सीपीयू तुम्हारा 1000 का भी आता है, 2000 का आता है, 12000 रुपए तक का सीपीयू आता है। सीपीयू फैन लेने जाएंगे तो सीपीयू फैन 150, 200, 250, 500, जितना आप जैसा बड़ा बड़ा लेंगे वैसा आपको मिल जाएगा। रैम लेने जाएंगे तो रैम आप 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB जैसा स्टोरेज में ले जाएंगे उसी हिसाब से उसके रेट होते हैं। एसएसडी लेने जाएंगे, एसएसडी 128 लेते हैं, 256 लेते हैं, 512 लेते हैं, कौन सी कंपनी में लेते हैं, कंपनी में भी 100-200 रुपए का अंतर होना चालू हो जाता है। कैबिनेट लेंगे तो कैबिनेट एसएमपीएस की बात करते हैं तो ये भी अलग अलग कंपनी की आती है, जेब्रोनक से आती है, बहुत सारी कंपनी की वो भी आती है। कीबोर्ड माउस लेंगे तो ये भी अलग अलग रेट के आते हैं, 200, 500, 600, 1000 रुपए तक के कीबोर्ड आते हैं। एलसीडी स्क्रीन लेने जाएंगे तो एलसीडी स्क्रीन दोस्त 2500, 2500, यानी 3000, 4000, 5000, जैसा आप जितना बड़ा छोटा लेंगे अपने हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। और वाईफाई डोंगल लेने जाएंगे तो वाईफाई डोंगल 200, 300, 500 अलग अलग रेट के आते हैं और आप इनमें से ले सकते हैं। ये जितनी सारी चीजें होती हैं सब अलग अलग आती हैं, इनकी सब चीजों की गारंटी आती है कि इसमें से अगर देखा जाए तो एक साल से ऊपर की तो गारंटी होती ही है, सभी चीजों में एक साल की गारंटी आती है। सीपीयू फैन आता है इसकी कोई गारंटी नहीं आती, रैम जो होता है इसके 2 से 3 साल गारंटी आती है, एसएसडी में तो 5-5 साल की गारंटी आती है, कैबिनेट में तो कोई गारंटी नहीं आती है, लेकिन एसएमपीएस में से 1 साल या 6 महीने की गारंटी आती है। कुछ कीबोर्ड माउस महंगे होते हैं उनमें गारंटी भी आती है। एलसीडी स्क्रीन लेंगे तो एलसीडी स्क्रीन के 1-2 साल की गारंटी आती है। वाईफाई डोंगल 100-200 की चीज होती है, 300-500 की कोई गारंटी नहीं आती, तो कुछ चीजों को गारंटी आती है। अगर इसमें सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इसकी परफॉर्मेंस हमारे लैपटॉप से कहीं ना कहीं बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि लैपटॉप क्या होता है, कंपैक्ट होता है। कंपैक्ट का मतलब होता है सब चीजों को समेट करके एक जगह सिकोड़ करके बना दिया गया, सारा चीज उठाया गया, सारा चीज उठा करके एक जगह बना दिया गया। अब एक जगह बनाने के बाद क्या है कि अगर हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन एक एक बिजनेस पर्पज पे हो, ज्यादा हैवी ड्यूटी पे यूज करने की बात आ जाए तो कंप्यूटर ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि चीप एंड बेस्ट रहता है, सस्ता रहता है। जो काम कहीं ना कहीं आपका 10,000 में हो जाएगा वही काम आपका कहीं ना कहीं इससे 40,000-35,000 में ज्यादा होगा जाएगा, तो ये कीमत का थोड़ा सा फर्क रहता है और ये सारी चीजें नई बन जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी जो मेरे पास सिस्टम आया उस सिस्टम को मैं असेंबल करके दिखाता हूँ, पूरा बना करके दिखाता हूँ। पूरा वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप एंड तक रहिएगा, मैं आपको पूरा बना करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तौर तरीका बताऊंगा। और आप इसी तरीके से अगर आप कोई भी सिस्टम अगर आप असेंबल करना चाहते हैं या उसको लेना चाहते हैं, इसके माध्यम से अगर हमारी कोई हेल्प लेना चाहते हैं, हमारी कोई मदद लेना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। ये हमारी वीडियो ट्रेनिंग पर्पज पे है, जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम अपने लोगों को सिखाते हैं या हमारे स्टूडेंट सीख करके जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट कल को अगर इस परेशानी में आना चाहते हैं या फंसना चाहते हैं तो इन सब चीजों से वो ना फंसे, परेशान ना हो और उनके दिमाग में उलझन ना रहे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जब कोई भी चीज लेने के लिए जाते हैं तो ये सब चीजें अलग अलग आती हैं, तो अलग अलग का मतलब होता है उसके दिमाग में रहता है कहाँ से लाएंगे, ये कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे जुड़ेगा जुड़ेगा, तो ये सब चीजों के बारे में मैं आपको पूरा एक साथ वीडियो दे रहा हूं, ताकि मैं इधर भी समझा दिया है और आपको प्रैक्टिकल भी आपको समझा रहा हूं। तो आप सर फोन ले लीजिए और एक एक करके सारी चीजों को दिखाइए ताकि मैं सारे बच्चों को समझा सकूं। हम लोग स्क्रीन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसको खोलेंगे, इसकी जितनी सारी चीजें होती हैं सारी चीजों को हम लोग बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये डब्बा निकलता है, डब्बे को उधर रख दीजिए और इधर आ जाओ, तुम भी देखते रहो, इधर आओ, मदद भी करोगे साथ में। देखिए ये हमारा साथ में सब कुछ आता है, इधर आ जाओ, उधर प्लग लगाने के लिए तुम खड़े रहोगे, ठीक है। ये हमारा जो आता है साथ में, इस चीज को क्या किया जाता है, इसमें कनेक्ट किया जाता है,
इसमें लॉक लगा होता है, तो लॉक क्या होता है, घुमा करके हमको फंसाना होता है। ये हमारा ऐसे नीचे लग जाता है, इसके साथ में ये पावर कोड आता है, ये पावर केबल लगाना होता है हमको। ये हमारे साथ में एचडीएमआई केबल आता है, एचडीएमआई केबल हम लोग ले लेते हैं। एचडीएमआई केबल को हम लोग क्या करते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम ये केबल को टीवी से कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारी स्क्रीन आती है, स्क्रीन में साइड में से इसके जो स्क्रू आते हैं, बोल्ट आते हैं, इनको हम लोग अच्छे से टाइट कर देते हैं। उसके बाद ये जो लॉक होता है, ये लॉक हमारा इसमें फंसा होता है। अब जिस तरीके से इसमें गैप बना हुआ था, उसी तरीके से इसमें भी कहीं ना कहीं गैप बना होता है, अगर आप पास में देखेंगे चारों तरफ से। इस तरीके से हमारा स्क्रीन फिट हो जाएगा। स्क्रीन को आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ये हमारा स्क्रीन सेट हो जाएगा। स्क्रीन सेट होने के बाद ये पावर केबल हम लोग लगाएंगे। पावर केबल लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को ऑन करेंगे। स्क्रीन को चालू करके देखेंगे, ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, पीसी को असेंबल करेंगे, सिस्टम को असेंबल करेंगे। पावर केबल हटा दीजिए, उठा ये हमारा कीबोर्ड आता है। अब जितने भी पहले कीबोर्ड PS2 में आते थे, अलग अलग आते थे, लेकिन अब सारे सिस्टम USB वाले हो गए हैं, सब USB सिस्टम में आता है। उसके बाद हम लोग इसकी जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजों को बाहर निकालेंगे। उल्टा कर देते हैं, इसको डब्बे को उधर रख दीजिए। ये हमारी कैबिनेट होती है, कैबिनेट में जितनी भी सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें की फिटिंग होती है। ये हमारी जेबनोनिक्स की कैबिनेट है, यहाँ पर सीडी रोम ड्राइव भी लगा सकते हैं। USB का पैनल दिया होता है, स्पीकर दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा रीस्टार्ट का बटन होता है, ये पावर ऑन ऑफ के लिए सिस्टम होता है। अब देखिए सिस्टम को सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, क्योंकि जब हम लाए हैं तो इसको पूरा सब कुछ एक साथ, पूरा हमको अलग अलग सब ऐसे भर दिया, हमको पूरा असेंबल करना पड़ेगा। इसके साथ में स्क्रू निकलते हैं, स्क्रू को हमने खोला,
ये हमारा सिस्टम खुल गया। सिस्टम खुलने के बाद ये हमारा वाईफाई डोंगल, ये हमारा पावर कोड, ये हमारा एसएसडी, ये हमारा सीपीयू और ये हमारा एसएमपीएस, ये हमारा माउस, ये हमारा रैम, ये हमारा मदरबोर्ड, ये हमारा सीपीयू फैन और ये हमारा पूरा डब्बा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी सिस्टम को आप इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम इंस्टॉल करते समय इस बात का ध्यान रखना होता है, इन सब चीजों को पहले